Okay, 2% commission on sale of a property equals 4,240 rupees. What is the value of the property? ठीक है, अब इसमें है कि एक प्रॉपर्टी बेची गई जब, तो उसका जो 2% कमीशन निकाला वो इतना था, 4,240 रुपीस कमीशन जो हमने दिया वो दिया 4,240 रुपीस। आपको बताना है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, नॉल उसकी पूरी कॉस्ट कितनी थी। तो लेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक वैल्यू पता नहीं होगी प्रॉपर्टी की तब तक हम उसमें से कमीशन नहीं दे सकते, राइट। तो सपोज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भी रुपीज एक्स, सपोज हमने एक्स रुपीज मान ली, तो उसके ऊपर एक्स पर कितना कमीशन दिया, 2% का कमीशन दिया। ठीक है, तो इन्होंने दिया है 2% ऑफ एक्स, पूरी प्रॉपर्टी पर 2% का कमीशन दिया। तो 2% का कमीशन किसने किसके इक्वल टू हुआ, 4,240 रुपीज, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, टू जो ये एक आपका सेंटेंस है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4,240 रुपीज। यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 50 इक्वेशन हो जाएगी, x अपॉन 50 इज इक्वल टू 4,240 रुपीज। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो डिनोमिनेटर का 50 है उसको न्यूमरेटर में ले जाइए। ठीक है, न्यूमरेटर में जाने के बाद ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, मीन्स जो डिवाइड का 50 है वो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई के 50 में बदल जाएगा, राइट। लीनियर इक्वेशंस को हमेशा रिकॉल करिए, अब हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने सीखा है, हमने आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जितना हमने सीखा था उसको अब यहाँ पर आपने यूज़ करना है। सो एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो होगा 4,240 मल्टीप्लाई बाय 50। मल्टीप्लीकेशन का तरीका, ये जो दो जीरोज़ हैं, एक जीरो 50 के साथ है और एक जीरो यहाँ पर है, ये दोनों जीरोज़ आपके आंसर में आने ही आने हैं, राइट। जो बिल्कुल यूनिट्स डिजिट पर जीरोज़ होते हैं उनको एज इट इज़ लिख दिया करिए, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि हमने ये वाला जीरो यहाँ लिख दिया, एक जीरो यहाँ लिख दिया, अब बाकी बचा 424 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 4 20 प्लस 1 21। तो उस प्रॉपर्टी की जो पूरी कॉस्ट थी वो थी 2,12,000। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू रुपीज 2,12,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके बिल्कुल अलग अलग तरीके के आते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पकड़ कर नहीं बैठ सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आएगा। आपको वैल्यूज जो है वो अलग अलग तरीके से आपको बतानी है, इसमें परसेंटेज का हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, परसेंटेज के आपने एप्लीकेशन देखी है कि किसी प्रॉपर्टी का 2% कमीशन अगर इतना है तो प्रॉपर्टी कितनी है, तो ये सब परसेंटेज के ही क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, किसी और बुक का है, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ।